नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज के ताज़ा खबर की तरफ रुख करेंगे। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने पर बोले अनुपम खेर, देश को भरोसा, आप जरूर कोरोना की लड़ाई में जीतेंगे। सत्ता का जहाज उड़ाने के लिए बेताब है सचिन पायलट, क्या चल रहा है ऑपरेशन लोटस। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। ICMR ने राज्यों से कहा कोरोना वायरस की अंधाधुंध टेस्टिंग से बचें, जिसे जरूरत उसी को जांच करवाएं। यूपी होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को हुआ कोरोना, योगी के तीन मंत्री हो चुके हैं संक्रमित। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे के मामले का विकास पूरा खुलासा नहीं कि किसी से कनेक्शन। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। यस जयशंकर ने IGW में उठाया भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका के साथ संबंधों का मुद्दा। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। देखेंगे पुलिस के गले की फांस बन जाए विकास एनकाउंटर, सरकार की खास बचाई पर न्याय व्यवस्था को भूल पुलिस। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। दिल्ली को यूं ही तरसांगे बदल, हिमाचल समेत तीन राज्यों में बारिश, भारी बारिश हो रही है। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। देखेंगे कानपुर एनकाउंटर मुठभेड़ से लेकर एनकाउंटर तक गूगल टेंडर पर छाया रहा विकास दुबे, 6 राज्यों में हुआ सबसे ज़्यादा सर्च। आगे चलेंगे खबरों से। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी की बैठक, केंद्र राज्य और स्थानीय अधिकारियों के ठोस प्रयासों की सराहना। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। रीवा सोलर प्लांट पर विवाद, सरकार का असत्य ग्रह या विपक्ष की अज्ञानता। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। कानपुर आने से पहले विकास दुबे ने बताया देवेंद्र मिश्रा से क्यों खाता सखा क्यूट। आगे चलेंगे हिंदी की तरफ। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। अमिताभ और अभिषेक बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित, ब्रेकिंग न्यूज। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। विकास दुबे एनकाउंटर कानपुर से शुरू और कानपुर में खत्म हुई विकास दुबे की कहानी। आगे चलेंगे खबरों के तरफ। देखते हुए यूपी में लगड़ा उत्तर प्रदेश से फिर पसरा सन्नाटा, शक्ति बड़ी, जाने कैसा रहा आपके जिले का हाल। आगे चलेंगे खबरों के तरफ। बलियान ने योगी को लिखी चिट्ठी, यूपी में उनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उनके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाए। आगे चलेंगे खबरों के तरफ। नेपाल के 56 से 58 फाटक खोले, उत्तर बिहार से बाढ़ का खतरा मंडराया, आधा दर्जन जिलों में हाई रिस्क, भारी की चेतावनी। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। विकास के आगे चलेंगे खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल की गिर जाने अपने शहर के दाम। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। बिहार सरकार के मंत्री बोले सियासत के कमजोर छात्र हैं तेजस्वी और चिराग। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। मारा गया 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे, कब क्या हुआ देखे पूरा हाल। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। देखते हुए लीगेटर भी जाते, पाकिस्तान की बाट LOC पर कर रही है आतंकियों की मदद, हाई अलर्ट पर इंडिया आर्मी। आगे चलेंगे खबरों। वेस्ट बंगाल में 10वीं में 99.09% और बहराइन में 97.58% छात्र पास हुए। आगे चलेंगे खबर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, सभी और प्रियंका के रुख की सराहना नहीं करते, वो कांग्रेस में क्यों हैं दिग्गज। आगे चलेंगे खबर। 22 साल पहले विकास दुबे और CEO देवेंद्र मिश्रा के बीच हुई थी फायरिंग, तब तक की ये रंजीश। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। CBSE क्लास 10-12 रिजल्ट जाने, 10वीं में कमांडमेंट परीक्षा से पास होने का नियम। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और CMO के स्टाफ की हुई कोरोना जांच, 3 लोगों की आ गई रिपोर्ट। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। विकास दुबे के साथ अब उसके गुरु को शरण देने वालों को शिकंजा, 2 गिरफ्तार। आगे चलेंगे खबर। अमेरिका के क्रोध, NSA का बड़ा बयान, कोई गारंटी नहीं कि चीन के साथ तनाव बढ़ने पर ट्रंप भारत का समर्थन करेंगे। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। देखेंगे कैसे विकास दुबे व्यापारी के शनिवार को मिले 45 नए मामले, सबसे ज़्यादा संकेत मिले दून में। आगे चलेंगे खबर की तरफ। बातचीत से पहले नरम पड़ा ड्रैगन, पैगोम झील में और पीछे हटी चीन। आगे चलेंगे खबरों की तरफ। दिल्ली दे रही है कोरोना से मौत को मात, इस महीने होम आइसोलेशन के
केसों में जीरो है। आगे चलने के लिए यंग सिटी के कला को देख कर बोले पीएम, बोली इस तरह की विवाद आम बात है। आगे चलने का बोलते तस्वीर होने के बाद किया जाएगा इनाम का दावा, यानी किसे मिलेंगे सब 5 लाख रुपये, किसी मिलेंगे 5 लाख रुपये, मतलब जो टीका दूर हमारा पकड़ा गया है। मरकज मामले में 23 बांग्लादेशी जमानत की 10,000 के निजी मुचकले पर जमानत। आगे चलने का विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल 2 याचिका, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। आगे चलने की खबरों क्रम 6 महीनों में RBI ने रेपो रेट में की 135 बेसिस पॉइंट की कटौती। कोरोना संकट की वजह से देखने पड़ सकते हैं NPA ने बताया। आगे चलने की खबरों की तरफ दिल्ली से राहत भरी खबर, पिछले 31 दिन में आज सबसे कम नए केस। आगे चलने की खबरों की तरफ तो अब चीन से हल्ला पल्ला चुड़ाने की कोशिश में टिकटॉक जल्द गिफ्ट कर सकती है अपना क्वार्टर। आगे कोरोना कंट्रोल का क्या है धारावी मॉडल, किसकी WHO ने की तारीफ। आगे चलने खबरों की तरफ हरियाणा स्कूल बोर्ड 10वीं के नतीजे को इस बार पास फीसदी बढ़ा। आगे चलने खबरों के तरफ 13 लाख छोटे छोटे संघ लखनऊ पहुँची रिचा तथा पीटा की पहुँचा दीप प्रकाश के घर। आगे चलने खबरों के तरफ उनकी सबसे गजब है 2 वधू संग वर की शादी, पहली जीएफ तो दूजी माँ बाप की पसंद शादी, वीडियो हो रहा वायरल। आगे चलने खबरों की तरफ देखेंगे PCS आत्महत्या, 15,000 पाने वाले ने मौज, 8 साल में बड़ी की करोड़ों की संपत्ति की गिरफ्तारी के बाद होंगे खुलासा। दिल्ली का विकास दुबे बनने से पहले क्राइम ब्रांच ने दाऊद के इस गुरुके को किया गिरफ्तार। आगे चलने खबरों की तरफ गिरफ्तार में क्या है गजब इनकाउंटर की गजब दास्तान। आगे चलने खबरों की तरफ देखते हुए कानपुर के विलेज में RAF की तैनाती, लेकिन लोगों को खौफ बरकरार है। इस दौरान गांव वाले पुलिस को खुलकर बता रहे हैं कि कैसे पुलिस ही पहले उनकी शिकायतों को अनदेखा किया करती थी, गांव में बस विकास की दबंगई चलती थी। अब पुलिस भरोसा दिला रही है कि गांव वालों के मन में बैठा डर पूरी तरह दूर कर दिया जाएगा। वो तो सर्च और उसके दृष्टिकोण से है, सब सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से है, कोई वैसी बात नहीं है। ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं और चाहे बिल्कुल मैं एकदम से डर इनका खत्म कर दूंगा, बात विश्वास करता हूं। और हमारे जो सारे पुलिसकर्मी सब लगे हुए हैं और किसी पर हर पब्लिक वार कहने पर घर छोड़कर चले गए थे, तब से उनका कोई अता पता नहीं है। महिला चाहती है कि पुलिस उनका पाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। हमें तो तब सही लगेगा जब हमारे हस्बैंड तो रोज जॉब करने वाले हैं, शनिवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने देश के तमाम हिस्सों में मौजूदा स्थिति और राज्यों की तैयारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कोरोना महामारी को रोकने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल अथॉरिटीज के सम्मिलित प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य सरकारों को भी पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में कोविड की रोकथाम के लिए ऐसे ही कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा पीएम ने अहमदाबाद में इस्तेमाल हो रहे धन्वंतरी रथ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि निगरानी रखने और घरों तक मेडिकल केयर पहुंचाने का धन्वंतरी रथ एक सफल उदाहरण है और इसे दूसरी जगहों पर भी अपनाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार की सुबह